मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। अब मेरी बातों पर अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता हो, कोई जिज्ञासा होती हो, तो आप जरूर पूछें, मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। मेरी एक ही विनम्र प्रार्थना है कि अगर हम सब बैठे हैं यहाँ एक साथ तो प्रश्न पूछें, एक एक उठ के जाने लगे तो फिर प्रश्न करना ठीक नहीं होगा। तो आप सब बैठेंगे, मैं भी बैठूंगा, प्रश्न करना है तो साथ में सुने, हो सकता है वो प्रश्न आपके भी काम आ जाए आपके जीवन में। इसमें जो काला धन है, टैक्स से चोरी का बताया, उसके लिए भी अपने पास योजना है? हाँ, पीछे से प्रश्न आया है, वो ये है कि अपने देश में जो काला धन है, जिसकी मात्रा मैंने बताई ना 36 लाख करोड़ का, इसके लिए कोई योजना है? हाँ, इसके लिए योजना ये है कि इस काले धन को सफेद बनाना है। और इसको सफेद बनाने का एक ही मिनट का काम है कि आप इनकम टैक्स कानून को जिस दिन रद्द कर देंगे, ये सारा काला धन अपने आप सफेद हो जाएगा। और ये 36 लाख करोड़ कहीं छुपा हुआ रखा है लोगों के घरों में, ये अपने आप बाहर आ जाएगा। या तो लोग उसे बैंक में जमा कर देंगे, या तो उसको कारखाने लगाने में, उद्योग लगाने में इस्तेमाल करेंगे, या उस पैसे का खर्चा करेंगे। तीनों ही स्थिति में ये पैसा इकोनॉमी में घूमेगा, अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। अब 36 लाख करोड़ रुपए अगर अर्थव्यवस्था में आता है तो इससे तो कितनी प्रोडक्टिविटी हम बढ़ा सकते हैं पूरे देश की। तो काला धन जो पहले से तैयार है, जमा पड़ा है, इसको भी बाहर निकालना है। इसी के लिए इनकम टैक्स एक्ट में बड़ा संशोधन और फेरबदल करवाना है, वो एक बड़ी योजना है, उसकी भी कोशिश हमारी चल रही है।